हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। अजित वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू हिज यंगर ब्रदर, एक्सप्लेन। अजित सचिन्स ब्रदर टुक हिम टू अ चेकर सर नेट्स टू ट्राई सचिन्स लक। जो अजित थे सचिन के ब्रदर, वो उन्हें चेकर सर के पास लेके जाते हैं कि उन ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अचेकर सर है वो उन्हें कोचिंग दें। तो व्हेन सचिन वाज आस्क्ड टू बैट ही वाज नॉट ऑल कंफर्टेबल। जब सचिन को बैटिंग के लिए कहा सर ने, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। ही फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट बिकॉज सर वाज वॉचिंग हिम सो क्लोजली। वो उनके ऊपर एक इम्पैक्ट डालने में फेल हो जाते हैं, मतलब असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि सर जो थे उन्हें बहुत पास से देख रहे थे। अजित न्यू दैट सचिन वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फार बेटर। अजीत जानते थे कि जितने जैसे सचिन ने आज परफॉर्म किया है, सचिन इससे कहीं अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, बट आज वो कर नहीं पा रहे। ही एक्सप्लेन टू सर टू वॉच हिम प्ले फ्रॉम अ डिस्टेंस। उन्होंने सर से कहा कि सर प्लीज़ आप इन्हें थोड़ी दूर से देखिए, भी ये इतनी पास से आप देख रहे हो तो ये कन्फ्यूज हो रहे हैं। दिस वॉज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। ये सचिन के लिए अब, मतलब जो उन्हें दूसरा चांस मिला अपने आप को दिखाने के लिए, ये उनके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी थी जिन्होंने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज अजीत अकम्पेनिंग सचिन and used to talk about the nuance of batting। मतलब कुछ शुरू के कुछ दिन अजीत जो थे वो सचिन के साथ जाते थे जब वो ट्रैवलिंग करते थे कैंप में जाने के लिए, और वो उन्हें उनकी न्यूएंस ऑफ बैटिंग, मतलब उनकी जो कमियां होती थी बैटिंग की, वो उन्हें वो बताते थे रास्ते में। दस अजीत वॉज अ ग्रेट इंस्पायरेशन टू हिज यंगर ब्रदर। इस तरह से अजीत ने अपने ब्रदर को, सचिन को, बहुत इंस्पायर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। At the age of 11, Sachin Tendulkar sacrificed his summer holidays to practice cricket. मतलब जो वो 11 ईयर के थे, उन्होंने अपनी समर ब्रेक्स को सेक्रीफाइस किया, मतलब कि इंजॉय करने की बजाय वो प्रैक्टिस के लिए आया करते थे इतनी गर्मी में क्रिकेट के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेक्रीफाइजेस टू अचीव योर गोल्स डिस्कस भी। तो क्या ये बात सही है भी, हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक सेक्रीफाइजेस टू अचीव आवर गोल्स, क्योंकि हमें बलिदान करने पड़ते हैं कुछ ना कुछ। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम अपने गोल्स को गेन कर पाएंगे। इफ़ वी रिमेन फोकस्ड एंड डेडिकेटेड, नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम रीचिंग अवर गोल। यदि हम अपने काम के प्रति डेडिकेट हैं और पूरे मन से, लगन से हम उसे काम को कर रहे हैं, तो कोई भी हमें हमारे गोल तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। सचिन वॉज डेडिकेटेड टू प्रैक्टिस क्रिकेट। सचिन ने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट किया क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। दैट्स वाई ही गॉट सक्सेस, और इसीलिए उसे सक्सेस मिली। सक्सेस डजंट गेट डिलीवर्ड इन अ बास्केट। जो सक्सेस है वो हमें किसी बास्केट में नहीं आती हमारे पास। ओनली व्हेन वी वर्क हार्ड, जब हम कठिन मेहनत करते हैं, वी विल टेस्ट सक्सेस, तभी हम सक्सेस का मजा ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट। दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, दिस टाइम से कैंप तक। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज सर? रामाकांत अचरेकर सर। जो सर कौन है इस चैप्टर में, क्या नेम है मतलब सर का? रामाकांत अचरेकर इज सर। व्हाट डू यू नो अबाउट द कैंप? आप कैंप के बारे में आप क्या जानते हो? कैंप वॉज हेल्ड एट शिवाजी पार्क। जो कैंप है वो शिवाजी पार्क पे लगता था। एडमिशन फीस फॉर कैंप वॉज 65 रुपीज एंड मंथली फीस वॉज 10 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। How was this time different from the previous time? अब this time से, मतलब जो second time सचिन ने उन्हें show करके दिखाया था, उसमें क्या difference था? This time was different from the previous time, as this time अचरेकर sir pretended to ignore सचिन। इस time अचरेकर sir ने सचिन को ऐसे दिखाया जैसे वो उन्हें देख ही नहीं रहे। अब next है, ये during से batting के बीच में, who is he? इन लाइंस के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है। हु इज ही? कौन है? ही इज अजित, जो सचिन के कजिन ब्रदर है। वेयर वुड द बस टेक देम? जो बस थी वो उन्हें कहाँ लेके जाती थी? द बस वुड टेक देम टू कैंप। कैंप में जाते थे बस से। व्हाट डज द स्पीकर से इमीडिएटली आफ्टर दिस? इमीडिएटली आफ्टर दिस का मतलब है कि उसके इमीडिएटली आफ्टर दिस किसके बाद? जब अजीत सचिन को उनकी बैटिंग के बारे में बताया करते थे, नुएंसेस, उनकी कमियां बताया करते थे, तो उसके बाद सचिन क्या बोलते थे? द स्पीकर ऑलवेज इंजॉयज दिस कन्वर्सेशन। जो स्पीकर मतलब सचिन, हमेशा उनकी बातों को बड़े ध्यान से इंजॉय करके सुनता था। कहने का मतलब, जब
उनके ब्रदर उनको उनकी कमियां भी बताते थे, तो वो गुस्सा नहीं मानते थे बल्कि उनकी इंजॉय करते थे बातों को और अपनी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एंड डू ऑल दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।